सो गाइस चेक दिस आउट भाई, अभी यहाँ से ना आपको स्पोर्ट्स का सर्विस लेने हैं हमें तो, ठीक है, और मैट वगैरह बिल वगैरह लगने वाले हैं। कंप्लीट हो गया भाई, सब जाके भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो कमेंट में सारे जाके। तो गाइस चेक करो भाई, किसका फोन है बे? ओए बचियो, अबे हाथ करो भाई एक्सपल्स भाई, ये भाई दल्लब दाग राइड के लिए बहुत ज़्यादा। डीकैथलॉन भाई यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती है, तो भाई जो यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपको ना सारा ए टू जेड लोअर सब सामान मिलेगा। चेक कर लो भाई, 2999 भाई, 3000 भाई, कौन लेगा भाई ये? हाँ सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप सब एकदम से बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत किस तरह देंगे भाई, अभी हमें हरिद्वार और देखना भी विले वगैरह लगने वाले हैं भाई। ये देख रहे भाई यहीं से, यहाँ पे भी विले वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा भाई ये बंदा रोड पे ही। तो भाई अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं भाई, यहाँ से जाने कहाँ जाने वाले हम, सीधा भाई डाक पत्थर। अभी हम आ रखे थे हरिद्वार अपने घर पर, किस चीज़ के लिए आ रखे थे वो अभी आपको मैं रास्ते में बता दूंगा। जैसे भी गुस्से ना, अभी हमारे साथ और बंदे हैं, अयान भाई है, ये फराज पीछे यादव, मिस्टर यादव। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, हम आए हुए थे भाई हरिद्वार। तो भाई अभी अभी तुम देख रहे हो भाई, तुम्हारा भाई चला रहा है भाई बुलेट थंडर बर्ड, और भाई ये रहे भाई हमारे बेस्ट मोटो और भाई मिस्टर यादव, इनके 100K कम्प्लीट हुए भाई। सब जाके भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो कमेंट में सारे जाके। तो भाई हरिद्वार हम क्यों आए थे भाई, अभी हमने हरिद्वार यहाँ पे 2-3 दिन से आ रखे थे, हम यहाँ पे रुक रखे थे क्योंकि भाई जो हमारे लद्दाख के अरेंजमेंट्स है ना वो हम सारे कंप्लीट कर रहे थे, और मतलब हमारे सारे जो भी हमारे ज़रूरत का सामान है ना वो सब चीज़ हमने ले लिया है। और भाई हमें मतलब थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, और कुछ तुम्हारे भाई का सामान है ना जो वो यहाँ पे हरिद्वार में था, तो भाई यहाँ से अपना ले लिया। तो भाई जो मैं जा रहा हूँ ना, मतलब मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख आपको बताइए, मैंने आपको बता देता भाई, हम 22 से 23 में निकल जाएंगे। हमारे साथ मतलब सुपर बाइक से भी जाने वाली है, प्रो राइडर के फादर वगैरह जाने वाले हैं, और ड्राइवर वगैरह जाने वाला है, और भाई तुम्हारा भाई लेके जाने वाला है भाई बुलेट थंडरबर्ड। तो भाई देखना वहाँ पे तुम्हें बहुत ही प्यारे प्यारे व्लॉग मिलने वाले हैं। तो गाइस वहाँ के ना आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे बिल्कुल एकदम से फुल पावर खतरनाक, तो भी मिलता हूँ सीधा यार हाईवे पे। सो गाइस चेक दिस आउट, अभी आ चुके हैं हम भाई हरिद्वार हाईवे पे भाई, अभी हम चल रहे हैं भाई हरिद्वार हाईवे पे। तो भाई अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब अभी देखते भाई यहाँ पे एक भाई मूर्ति है, देखते हैं आगे है कि यहाँ पे आई थिंक इससे आगे भाई अपना पूरा हरिद्वार भाई, हरिद्वार गंगा भाई, यहाँ पे ज़्यादा आपको पता है भाई दर्शन के लिए आते होंगे भाई जो भी भाई लोग हैं भाई। फुल पावर भाई बुलेट पे जो चला के भाई, हाईवे पे जो चला के इतना मज़ा आ रहा है ना बैंगर, इतनी ज़्यादा जम के गाड़ी चल रही ना भाई, ये मतलब पता ही नहीं चल रहा यार कि भाई बाइक चली भी रहेगी, मतलब इसमें कभी ये सोच चली आ रही है भाई, ये तो पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी भाई। ये चीज़ चेक करो भाई, देखो मैं आपको बोल देता ना शिव जी की मूर्ति भाई, ये देखो भाई इतनी ज़्यादा प्यारी बना रखी है भाई जिसने बनाई भाई। भाई पहले ना यहाँ पे जब ये सिंगल व्यू था ना, भयंकर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता था यार, बहुत ज़्यादा यार, यहाँ से निकलने में ना 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे ना यहाँ से लेके डाक पत्थर तक ना जो हमारा वहाँ तक पूरा भी नहीं लगता, क्योंकि अब भाई हाईवे बन गया भाई, 4 लेन है, इधर इनको जाना है इधर हमको जाना है, पर यार ये कभी नहीं सुधरेंगे भयंकर। देखा यार यहाँ से सीधा कट बना दिया, गलत है यार, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ना फिर। कोई नहीं भाई चलते हैं भाई, पीछे हमारे एन भाई आ रहे हैं, यादव भाई आ रहे हैं पीछे भाई, वो आ रहे हैं भाई R15 पे, जो एन भाई की बीस्ट है भाई, उसने ना भाई डीपी क्लियर भी नहीं लगा रखा भाई यार, अभी देहरादून के अंदर जाना है हमें, एंटर करेंगे ना भाई, और फुल्ली गाड़ी लोडेड है। और तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, ने नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखी यार। द मैन द लेजेंड, बट देखना हम निकल जाएंगे यार, रहन भाई के पास स्किल्स है भाई, वो बंदा ही कुछ और है। अब सो गाइस अभी तक हम चल रहे थे भाई हाईवे पे, और भाई यहाँ पे मिल चुका है हमें ट्रैफिक, हाईवे पे नहीं मिला यार, यहाँ पे ना थोड़ा पुल वगैरह बन रहे ना, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह हो रखा, बट यार ये हीट बहुत ज़्यादा हो रही भाई लद्दाख पे, तो क्या हाल करेगी यार ये मेरा, ये अभी तक हमने हरिद्वार क्रॉस भी नहीं किया तब जाके इतनी हीट हो चुकी है भाई ये, अभी आगे आगे पता नहीं क्या होने वाला भाई। सबसे पहले ट्रैफिक से निकलना है भयंकर, मेरे तो पाँव चल रहे यार इसमें। भाई चेक करो भाई कैसे हुआ यार ये, भयंकर ले गया भयंकर ये अंकल, एकदम से ब्रेक मार दिया हाईवे पे। तो भाई हमारे आगे चले भाई हमारे एन भाई, देख रहे भाई बैक वाली इसकी पिछले वाले भाई नंबर प्लेट ही नहीं आया भाई, और एक तो भाई डीपी क्लियर बिल लगा रखा भाई बंदे ने, और फुल पावर देख रहे क्या स्पीड है भाई बंदे की, ये देख रहे भाई यादव भाई ने चल रहा है, यादव भाई ने दोनों हाथ उठा लिए, ये देखो भाई
रहा हूँ भाई, शर्ट टूट गई थी भाई। क्या कर रहा है यार ये बंदा। तो भाई अभी एक चीज़ चेक करना भाई, अभी आगे ना एक छोटी सी कोई टनल आएगी, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है भाई। ये बंदे क्या करके मानेगा यार भाई, को डाल रखा यार यार। ये देखो भाई छोटी है। साउंड चेक करो भाई। और यार भाई ने भाई फुल रैप कर दिया। हल्के में ले रहा है यार, 350 cc है। भाई मेरे पीछे बैठा भाई फराज, ये उड़ ना जाए भाई पीछे से, इसका थोड़ा सा डर है। बाकी तो कोई गल नहीं, प्राइस अभी आने वाले हैं भाई हमारे हरिद्वार और देहरादून के बीच में वाले है ना, तो वो ही लेगा भाई हमारा। मतलब बाइक का तो कोई टूर वगैरह नहीं लगता, जाएंगे एकदम बाहर आ जाओ की तरह, बाइक तो नहीं रोकेगा भाई हमको, हट जाओ हटा, डंडा निकाल भाई डंडा निकाल, देखते हैं कैसे नहीं हटते। अच्छा रोक रहे, क्या हो गया भाई? हेलो, किसका फोन है बे? टोल पे लादिका मेरे सर। हेलो भाई जी, फोन आ चुका है। हेलो, अबे टोल पे है, बिल्कुल टोल प्लाजा। अच्छा टोल प्लाजा से लोग हैं? हाँ देहरादून से ही, देहरादून रुकेंगे। चलो देहरादून आ जाओ फटाफट। ठीक है आ रहे। तो भाई अभी तुम्हारा भाई स्विच करके भाई आ चुका है भाई, आयान भाई के पीछे, और भाई मेरी बाइक चला रहे भाई हमारे यादव भाई। और भाई इसको बैठ के ऐसा लग रहा था भाई तुम्हारा भाई चांद पे पहुंच गया। राजा जी अपनी, अबे कहाँ जाना है तेरे को? आइस बीटी है? अबे पुल पे कुछ चलता ना। ओए हाय बचिए, ओए अबे हाईवे पे ही निकल जाता, पीछे मोड़ी से हाईवे पे कुछ चलेंगे भाई। इस बंदे ने भाई पता नहीं भाई कहाँ घुसा दिया यार। तो भाई अभी हम आ चुके थे भाई थोड़ा सा आगे, हमें हाईवे पे को जाना था, अभी जाएंगे भाई हाईवे पे को, क्योंकि यार हमें यार अभी टेंट वेंट भी लेना है ना यार, तो उसके लिए थोड़ा सा। सो गाइस अभी पहुंच चुके हम भाई डी कैथलॉन देहरादून। तो भाई यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क करते हैं, और यहाँ से अपने जो भी हमें मतलब टेंट वेंट जो भी कुछ लेना है हम यहाँ से भाई लेंगे। करो भाई एक्सपल्स भाई, ये भाई लद्दाख राइड के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी। अभी ये कैसी रहेगी देखिए बाइक लद्दाख पे, इससे तो मेरी हाइट ही नहीं आएगी भयंकर। डी कैथलोन भाई यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती है, तो भाई हमें वही चीज़ चाहिए। और ये देखो इसने मेरे हाथ में बैग थमा रखा, तो चलते हैं भाई अभी यहाँ से अंदर। सो गाइस चेक दिस आउट भाई, अभी यहाँ से ना भाई आपको स्पोर्ट्स का सभी सामान मिल जाएगा। देख रहे भाई हमें तो भाई टेंट वगैरह लेना है, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपको ना सारा ए टू जेड लोअर सब सामान मिलेगा, देख सकते हो भाई आप। भाई देखते हैं भाई यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, बाकी टेंट वगैरह लेने हैं हमें तो, ठीक है, और मैट वगैरह, बाकी देखते हैं भाई यहाँ से क्या क्या चीज़ ले सकते हैं भाई। मैं तो कंफ्यूज हो रहा भाई बहुत ही ज़्यादा, आप देख लेना भाई आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है। भैया हेलमेट उतारना है, हाथ में लेना है हेलमेट। सो गाइस एक बार ये चीज़ चेक करो भाई। भाई यहाँ पे भाई हमारे मतलब का मतलब सामान तो काफ़ी सारा है, लेकिन रेट इतने ज़्यादा भयंकर हैं, बट हमें अपने काम की चीज़ यहाँ पे बस ये मेरी यहाँ पे 99 में ऑफर में ये चीज़ मिल रही है भाई, मंकी कैप जो हमें चाहिए थी, ठीक है। इसका भी आप प्राइस देखो, इस पर 299 है, बट ये ऑफर में मिल रही है भाई 99 की, यहाँ पे लिखा लोवेस्ट प्राइस 3000। भाई ये चीज़ चेक करिए भाई, ग्लव्स है भाई ये, और लेदर वगैरह कुछ नहीं है भाई ये, और ये चीज़ चेक कर लो भाई 2999 भाई 3000 भाई कौन लेगा भाई ये। भाई ये चीज़ चेक करो भाई, हाँ भाई सही है ना, तो हाँ निकालियो भाई। अभी यहाँ से देखते हैं भाई हम क्या क्या लेते हैं, बट की मैंने एक मंगे की आप तो ले ली भाई, 100 का खर्चा करा लिया भाई यहाँ आके। तो फाइनली गाइस जब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई, फुल पावर एकदम से हमारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है। तो भाई तुम्हारा भाई चला रहा है भाई आया ना भाई की बेस्ट। तो भाई गार्ड सर हमें उधर से जाने के लिए बोले थे, लेकिन हमने कहा अरे नहीं हम तो इधर से जाएंगे भाई। एक तो यार फोन आ रहा बार बार, पता नहीं किसका।